For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. तो लास्ट सेशन में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था. ये हमारी इस RSCSA ट्रेनिंग का सेशन नंबर 7 है और आज अभी इस सेशन में हम बात करेंगे शेल हिस्ट्री के बारे में. शेल हिस्ट्री में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको PS वेरिएबल्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगा. मैंने कल आपको PS1 वेरिएबल के बारे में बताया था लास्ट सेशन में, है ना? बताया था ना? जी सर. यस सर. यस सर. ये जो PS है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? PS की फुल फॉर्म होती है प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट. और लिनक्स में ये जो PS वेरिएबल है स्टार्ट होते हैं जीरो से. PS0, PS1, PS2, PS3, PS4. क्लियर? अब PS1 के बारे में आपको पता है, मैं लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूं कि PS1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर शेल प्रॉम्प्ट. ये जो आपको यहां दिख रही है चीजें, ये इस वेरिएबल की वजह से दिख रही है. अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके नाम सुने होंगे लेकिन पता नहीं होगा कि इनका क्या यूज है. PS0 कहाँ यूज होता है, PS1 क्या है, PS2 क्या है, PS3 क्या है और PS4 क्या है. तो पहले आज शेल हिस्ट्री में स्टार्ट करूं उससे पहले हम इन वेरिएबल्स को अच्छे से जान लेते हैं. स्टार्ट करते हैं PS0 के साथ. ठीक है, तो PS0 जो वेरिएबल है आपका, अगर आप इसकी वैल्यू को निकाल के देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको एको डॉलर PS0 लिखना पड़ेगा. तो ये एक अनबाउंड वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल अभी सेट नहीं है, मतलब यहाँ कुछ भी सेट नहीं है इस वेरिएबल में, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. और ये क्या काम करता है PS0 जो वेरिएबल है? PS0 वेरिएबल आपको जो आउटपुट दिखाई देता है किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने पर, तो जो आउटपुट प्रॉम्प्ट है वहां स्टार्टिंग में क्या चीज डिस्प्ले होगी, ये PS0 वेरिएबल आपको बताता है. जैसे कि आप डेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो यह इमीडिएटली यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल बिगिनिंग से. जैसे कि यहां हम इनपुट प्रॉम्प्ट पे शेल प्रॉम्प्ट देखते हैं जिसमें कि यूजर का नाम है, @ और मशीन का होस्टनेम है, फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का सिंबल यहां हमें देखने को मिलता है, फिर डॉलर या हैश साइन हमें देखने को मिलता है, डॉलर या पाउंड साइन. तो यहां ये तो PS1 वेरिएबल की वजह से है. PS0 वेरिएबल की वजह से आप यहां क्या सेट करना चाहते हैं आउटपुट प्रॉम्प्ट पर, वो आप सेट कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? PS0 वेरिएबल आपका आउटपुट प्रॉम्प्ट की जो स्टेटमेंट है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट जब डिस्प्ले हो उसके स्टार्टिंग में लिख के आ जाए कि ये आउटपुट है. यानी कि आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ एक जो है स्टेटमेंट, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको उसी के हिसाब से सेट कर सकता हूँ. कैसे? मैं यहाँ PS0 की वैल्यू सेट कर देता हूँ आउटपुट. अब मैंने PS0 को आउटपुट वैल्यू यहाँ असाइन कर दी है. अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं इसकी एंट्री प्रोफाइल फाइल में कर सकते हैं BASRC के अंदर. अब अगर आप एको डॉलर PS0 करेंगे तो आपको यहाँ आउटपुट दिखेगा. ठीक है, लेकिन जब आप कोई कमांड अब एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड से पहले आपको क्या लिखा दिखेगा? आउटपुट. समझ में आया? अब ये हमें अच्छे तरीके से दिखे, अभी तो ये मिक्स हो गया ना हमारे जो एक्चुअल आउटपुट है उसके साथ. तो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सिंगल कोट्स में, ताकि हम इसको अच्छे से यहाँ रिप्रेजेंट कर पाए. तो मैंने एक स्पेस लगा दिया है इसके बाद. अब मैं यहाँ अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ये हमें आउटपुट शो कर रहा है. इसको और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ आप इस तरीके से कोई दूसरा साइन लगा सकते हैं. देखिए आउटपुट क्या है, आउटपुट ये है. अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ना हो, आउटपुट मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस तरीके से यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ \n. अब क्या होगा, जो भी कमांड आप चलाएंगे उसका आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन में दिखेगा और आउटपुट से पहले फर्स्ट लाइन में आपको
प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट दिखेगा उस आउटपुट के लिए, जहां लिख के आएगा आउटपुट। समझ में आई ये चीज? तो ये चीज होती है आपकी पीएस जीरो वेरिएबल की वजह से, ये कोई नहीं बताएगा आपको, आपको कहीं मिलेगी भी नहीं ये चीज। ये सब मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि वेरिएबल्स का एक्चुअली यूज क्या है। तो पीएस जीरो जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट को किस तरीके से डिस्प्ले कराना है उसके लिए आप यूज करते हैं। फिर बात करते हैं पीएस वन वेरिएबल की। पीएस वन वेरिएबल जो है आपको मालूम ही है कि जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर जब आप इनपुट देते हैं शेल को, वहां क्या डिस्प्ले होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, पहले यूजर नेम है, @, फिर मशीन का होस्ट नेम है, फिर वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को शो कर रहा है, और फिर डॉलर या पाउंड साइन यहाँ आपको दिखता है अकॉर्डिंगली कि रूट यूजर है या नॉर्मल यूजर। तो मैं पहले पीएस जीरो को तो हटा देता हूँ जो हम पहले यूज कर रहे थे, अनसेट कर दिया। अब ये जो है ये पीएस वन वेरिएबल है। अब पीएस वन वेरिएबल में आप इसकी जगह अगर कुछ और सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी दिखाया था। भाई सपोज कीजिए मैं इसको इस तरीके से डिस्प्ले नहीं कराना चाहता, मैं यहाँ इसको किसी दूसरे तरीके से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। मैं इसकी जगह लिखना चाहता हूँ इनपुट, कि भाई इनपुट कमांड हम चला रहे हैं तो ये इनपुट की तरह शो हो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पी एस वन इज इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में मैं लिख देता हूँ इनपुट। जो शेल प्रॉम्प्ट है वो आपको ऐसे दिखेगा, देखिए आप अपनी कमांड या इनपुट कीजिए तो अकॉर्डिंगली आप शेल प्रॉम्प्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो रहा है आपके पीएस वन वेरिएबल की वजह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पीएस जीरो आपको समझ में आया होगा, पीएस वन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं पीएस टू की तरफ। पीएस टू क्या काम करता है, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट टू। तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे एको डॉलर करके, तो ये आपको यहाँ एक एंगल ब्रैकेट शो करेगा, दिख रहा है ग्रेटर देन का साइन, एंगल ब्रैकेट। इसका मतलब ये है, ये पीएस टू वेरिएबल क्या काम करता है, पीएस टू वेरिएबल जब आप किसी कमांड को मल्टीपल लाइंस में रीड करके एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां शेल प्रॉम्प्ट पे क्या डिस्प्ले होगा ये उसके लिए। जैसे कि कल मैंने आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाई थी एको, तो मैंने लिखा था दिस लाइन इज, और फिर मैंने बैकस्लैश लगा के नेक्स्ट लाइन में चला गया था मैं, आपको याद होगा, स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल, और फिर मैंने बैकस्लैश लगा दिया था नेक्स्ट लाइन में चला गया था और लिख दिया था पार्ट्स। तो जब तक मैं बैकस्लैश लगाता रहूंगा मैं नेक्स्ट लाइन में मूव करता रहूंगा, लेकिन अभी भी मेरी कमांड जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि कमांड जो है वो इनपुट मोड में ही है। अभी कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि बैकस्लैश का क्या यूज है, तो बैकस्लैश आप यूज करते हैं किसी एक कमांड को मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ शेल प्रॉम्प्ट पर क्या डिस्प्ले हो जब आपकी कमांड मल्टीपल लाइन में स्प्लिट हो रही हो, तो यहाँ ये जो शेल प्रॉम्प्ट है ये एंगल से शो हो, ताकि पता चल जाए कि कमांड जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये स्प्लिट कर रखी है आपने। तो देखिए जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरी कमांड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी, समझ में आया। तो यहाँ शेल प्रॉम्प्ट पे क्या डिस्प्ले हो ये रिप्रेजेंट करता है आपका पीएस टू वेरिएबल। अब अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मैं इसकी वैल्यू चेंज करके कर देता हूं, बताइए क्या लिखूं, कुछ भी लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूं कि भाई मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से शो हो डबल कॉलम, मैंने सेट कर दिया। अब मैं देखिए सेम कमांड चलाऊंगा, दिस लाइन इज बैकस्लैश, नेक्स्ट लाइन में चला जाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा लेकिन यहां हमें क्या दिख रहा है शेल प्रॉम्प्ट पर जब हमने स्प्लिट किया इनपुट को, तो हमें यहाँ वो कॉलम दिख रहे हैं जो हमने यहाँ पीएस टू वेरिएबल के अगेंस्ट सेट कर दिए थे। और अगर ये तो भी टेम्परेरी है, अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंट हो और सारे सेल्स में अवेलेबल हो, दूसरे सेल्स में भी ये काम करे, तो उसके लिए फिर आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ एक्सपोर्ट करके और इसकी एंट्री कर दें किसमें, बैस आर सी फाइल के अंदर, तो विम बैस आर सी, और यहाँ आप सीधे लिख दें
क्या नीचे आके नीचे आ जाए, यहां लिख दें एक्सपोर्ट PS2 इज इक्वल टू, और जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो यहां आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से, समझ में आया? तो इससे परमानेंट हो जाएगा फिर। सर ये अलाइस नहीं लिख सकते, मतलब एक्सपोर्ट ही लिखते हैं? अलाइस इज डिफरेंट थिंग। अलाइस का मतलब है कि आप कमांड को दूसरे नाम से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट्स की, कि यहाँ शेल पर जब आप कोई कमांड आउट एग्जीक्यूट कर रहे हैं या किसी कमांड का आउटपुट देख रहे हैं तो क्या चीज आपको दिखनी चाहिए। ओके ओके, ये उसके लिए है। अलाइस एक डिफरेंट चीज है। अलाइस का मतलब है कि मान लिया कैट कमांड को आप डॉग कमांड चला के एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीएस वेरिएबल की, जो है पीएस वेरिएबल 3। तो अगर आप चेक करके देखना चाहेंगे एको डॉलर PS3, तो ये भी अभी अनबाउंड वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू सेट नहीं है। अब ये कैसे हम सेट करते हैं और इसका कहाँ यूज होता है? तो जब कोई आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जहां हमसे इनपुट लेने के लिए सिस्टम वेट करता है, ठीक है। तो जब सिस्टम वेट करता है तो वहां प्रॉम्प्ट पर क्या दिखे वो चीज डिपेंड करती है इसके ऊपर, ये जो PS3 वेरिएबल है। तो वहां आप क्या देखना चाहते हैं शेल प्रॉम्प्ट पर जब सिस्टम हमसे इनपुट ले रहा हो, उसके लिए स्क्रिप्ट इसका यूज करती है। अब स्क्रिप्टिंग आपको नहीं आती होगी, मैं ये मानता हूँ, बाद में मैं आपको सिखाऊंगा अलग ही। एक प्रोग्राम, छोटा सा स्क्रिप्ट प्रोग्राम मैं लिख लेता हूँ, script.sh। अभी स्क्रिप्टिंग पे ध्यान नहीं देना, आप वेरिएबल पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं स्क्रिप्ट एक लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ इसमें मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक लूप यूज कर रहा हूँ और ये वेरिएबल है आई। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो मंडे प्रिंट होगा, 2 होगी तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, 3 होगी तो वेडनेसडे प्रिंट होगा, और 4 होगी तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने बना ली, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए मैं जब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मुझसे इनपुट के लिए वेट कर रहा है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो मंडे प्रिंट कर देगा, 2 लिखूंगा तो ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, 3 लिखूंगा तो वेडनेसडे प्रिंट कर देगा। अब यहां स्क्रिप्ट काम कर रही है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट है उस पे आपको क्या दिख रहा है, डॉलर क्वेश्चन मार्क। तो जो डॉलर क्वेश्चन मार्क है ये डिफॉल्ट है, ये PS3 वेरिएबल की वजह से डिफॉल्ट जो सिस्टम में सेट है उसको उठा के हमें शो कर रहा है। अब यहां अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं इसकी जगह, तो PS3 की वैल्यू आप चेंज करके यहाँ वो चीज देख सकते हैं, समझ में आई बात? और जब मैं यहाँ 4 दबाऊंगा तो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। अब मुझे अगर इसको चेंज करना है, अब मान लिया मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं PS3 वेरिएबल को अकॉर्डिंगली सेट कर दूंगा। बताइए क्या लिखूं, यहाँ आप क्या देखना चाहते हैं जब सिस्टम हमसे इनपुट ले रहा हो? मान लिया मैं यहां लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू एंटर करिए, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं PS3 वेरिएबल को ऐसे सेट कर दूंगा, लेकिन अगर अब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो ये हमें वहां शो नहीं होगा इस तरीके से, ये डिफॉल्ट वाला शो करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि जो प्रोग्राम है वो नए बैश शेल का यूज करके एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि चाइल्ड शेल पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया वो कहां डिफाइन किया है, वो पेरेंट के अंदर डिफाइन किया है यहाँ, और वो भी टेम्परेरी। तो हमें इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा। तो हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट PS3, और जो भी इसकी वैल्यू वो सेट कर दी। अब हम देखिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए लिख के आ गया ना शेल प्रॉम्प्ट पे, क्या लिख के आया वैल्यू। मैं 2 लिखता हूँ ट्यूजडे, 3 लिखता हूँ वेडनेसडे, 4 लिखता हूँ एग्जिट। तो जब आपको स्क्रिप्ट यूज करते हैं और स्क्रिप्ट को रन कर रहे होते हैं, और स्क्रिप्ट अगर आपसे इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा होता है, तब शेल प्रॉम्प्ट पर क्या डिस्प्ले होगा यह डिपेंड करता है PS3 वेरिएबल की वैल्यू पर, कि PS3 में आपने क्या सेट किया हुआ है। अगर कुछ भी सेट नहीं किया हुआ तो जो डिफॉल्ट है उसी को वो प्रिंट कर देगा, जो है हैश और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? जी सर। यस सर। जो फोर्थ वाला है, बताऊं फोर्थ वाला भी क्या होता है? हाँ सर बताइए। यस सर।
जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को डिबग मोड में एग्जीक्यूट करना करेंगे तो PS4 वेरिएबल की वैल्यू को सिस्टम शो करेगा, यानी कि प्लस प्लस शो करेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ PS4 की वैल्यू क्या है, एको डॉलर करके आप चेक कर सकते हैं। प्लस दिख रहा है ना हमें, यहाँ दिख रहा है ना प्लस। और मैंने आपको सेट हाइफन एक्स करके दिखाया था जब मैंने सेल को एक्सपेंड किया था, तो जब भी आप कोई कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं तो आउटपुट पे आपको प्लस दिखता है, तो ये इसी के लिए है। अब आप इसकी वैल्यू यहां से चेंज कर देंगे ना तो कुछ और शो कर देगा, यानी कि डिबगिंग मोड में अगर आप स्क्रिप्ट रन करेंगे तो भी, और अगर कोई कमांड रन करेंगे तो भी यहाँ प्लस शो होगा। अब अगर इसकी वैल्यू आप कुछ और कर देते हैं तो वो चीज शो हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ डिबग, ठीक है। अब देखिए प्लस की जगह डिबग शो कर रहा है ना, समझ में आया? यस यस जी सर। यस प्लस एक्स कर दूंगा, यानी कि डिसेबल कर दूंगा इसको, अब ये शो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ जब ही शो होता है जब हम सेट माइनस एक्स का यूज कर रहे हैं। तो जो PS4 वेरिएबल है वो यूज होता है आपका अगर आप सेट हाइफन एक्स ऑप्शन का यूज कर रहे हैं अपने शेल के अंदर, तो या कोई स्क्रिप्ट आप रन कर रहे हैं डिबगिंग मोड में, समझ में आया? तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये जनरली कोई सिखाता नहीं है। ये ऐसी चीज है जो मतलब थोड़ा अलग है, जनरली कोई भी इसको नहीं पढ़ाता, लेकिन हमें इन सबका पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं।